देखना अभी कुछ दिनों में तुम जो है ना हवेली के अंदर हो गए, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, समझो। चलो अभी बात पे खाना खा लो। ए दाढ़ी वाले बाबा उठाओ, इको उठाओ, खाओ, देखो तुम कब, अभी हम खिलाते हैं अपने हाथ से, चलो खाओ। अपने परिवार की भलाई के खातिर आखिरी दम तक लड़ेंगे, हक के लिए लड़ेंगे। देखते हमारी बहुरिया ये हमारा किसना बहु कितनी दूर तक ही लड़ाई लग जाती है। जितनी दूर तक चलेगी ना बेटा, उतनी दूर तक लड़ेंगे बेटा, लड़ेंगे। हेलो बाबू, कैसी हो यार तुम, मतलब कब से इंतजार कर रहे, फोन काहे नहीं की? अच्छा, हमारे पतिदेव एक दिन की भी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इतना याद कर रहे थे हमें। अरे बहुत बहुत याद आ रही है यार, और सिर्फ हमका नहीं आ रही, बूढ़ा बाऊजी वो भी तुमका बहुत याद कर रहे हैं। पापा की तुम बताओ, तुम ठीक तो हो ना? हम ठीक है बाऊजी, दादी ठीक है ना? हाँ सब सब एकदम ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल ठीक। और तुम? हम तुम्हारे बिना कैसे होंगे यार। ठीक है ठीक है। नहीं नहीं भौजाई, हमका नहीं चाहिए। क्या हुआ बे? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं, क्या कि हमारा ना मन नहीं कर रहा है कुछ खाने वाने का। वैसे भी भैया तो बात अगर कहे ना आपको, आजकल के जमाना में ना आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, और जब कोई आपका नजदीकी आपके सामने हो और अगर वो आपके साथ कोनो तालमेल बिठाना ही नहीं चाहता हो। नहीं भैया आप ही सोचो, अगर आपका नजदीकी आपके साथ कोनो तालमेल बिठाना ही नहीं चाहता हो तो अकेला आदमी भला कर बिका सकता? आजकल के समय में ना ये पूरा जमाना ना धोखेबाज लोगों से ना लब लब भरा हुआ है। दारू चढ़ गई है, शांत रहे। हाँ मानते भैया हम नशा में हैं, हम हैं नशा में, तो भैया हम अपने बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अरे आपके आसपास भी लोग हैं जो आपको धोखा देने का मन बनाए सकते हैं और बनाए रहे हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं, अपनी जिंदगी भर की कमाई आप बस ऐसे ही दे देंगे? पापा आपको भी तो पैसों की जरूरत पड़ सकती है ना, और जहां तक घर का सवाल है तो तन्मय और हम लोन ले सकते हैं, वो भी लो EMI पर। हाँ थोड़ी सुविधाएं कम होंगी पर अपना घर बन जाए। क्या है यार आरुषि, बात को समझा करो ना, पापा हमारे घर बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं, तो इसमें हर्जी क्या है? कहने का मतलब है कि माँ बाप तो अपने जिंदगी भर कमाते ही इसलिए हैं ताकि उनके बच्चे उनकी जमा पूंजी को किसी तरह इस्तेमाल कर सकें। तन्मय तुमने हमेशा पापा को अपने पापा की तरह ही ट्रीट किया है ना, और पापा भी तुम्हें अपने बेटे की तरह ही प्यार करते हैं, तो फिर क्या तुम अपने पापा पर किसी भी तरह का पैसों का प्रेशर डालना चाहोगे? अब की कपार अब भौजी केकरा संग करब, सैयार अब गईले ना तुसे जपे केकरो मन तो है काया। आजकल मनकवा को हमारी याद बहुत है। हाँ भौजी